एक जौहरी था सुनियारा, तो उसने मुख्तलिफ डबियां खोल के लोगों के सामने रखी और एक मोती निकाल करके कहा कि ये मोती शब अफरोज है, रात को चमकता है, और इस वक्त दुनिया के ऊपर जो कीमती तरीन मोती हैं उनमें से एक मोती ये मेरे पास है। खैर, उसने अपना सामान समेटा तो उस मजलिस में एक चोर भी बैठा हुआ था, उसके दिल में लालच आ गई, तो उसने उस जौहरी से कहा कि जनाब कहाँ के इरादे हैं? तो उसने कहा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ। उसने कहा वाह वाह, क्या अच्छा हुआ, मैं भी तो बम्बई जा रहा हूँ, तो चलो इकट्ठा सफ़र होगा। वो जौहरी समझ गया उसकी नीयत के खोट को कि ये मेरा हम सफ़र तो नहीं है, इसका दिल आ गया है इस मोती पे और मुझसे हर सूरत ये मोती चुराना चाहता है। लेकिन वो भी बड़ा समझदार था, उसने कहा आ जाइए कोई बात नहीं। सफ़र चलता रहा, रात हुई, जब सामान उतारा और सोने की तैयारी की तो वो जो इस नीयत से साथ हम सफ़र बना था उसने भी अपनी कमीज़ उतार के लटका दी और इस जौहरी ने भी। इस जौहरी ने यूँ किया कि नज़र बचा के वो डबिया कीमती मोती वाली निकाल करके उसकी जेब में डाल दे और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। जब ये खराटे लेने लगा तो चोर उठा, इसका सामान टटोला, इसकी जेबें देखी, सारा देखता रहा। खैर, दिन चढ़ गया, जौहरी उठा, इसने नज़र बचा करके उसकी जेब में हाथ डाल करके वो मोती अपनी जेब में डाल लिया। सुबह जब नाश्ते पे बैठे तो उस चोर ने बातों ही बातों में बात की, वो आपके मोती की चमक शमक नज़र नहीं आई रात को? तो वो हंस के कहने लगा, नहीं मेरे पास ही तो था, और जेब से निकाल के सामने रख दिया। दिल ही दिल में बड़ा हैरत ज़दा हुआ, मैंने तो सारा टटोला, ये अगर कहीं था तो मुझे क्यों नहीं मिला? चलो आज सही। अगला दिन आया तो फिर उसने कमीज़ उतार के रखी और इसने नज़र बचा के उसकी कमीज़ में वो मोती डाल दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। ये सारी रात उसके सामान में, उसके लिबास में तलाश करता रहा और वो मज़े से सोया रहा। सुबह उठा और नज़र बचा के अपनी जेब में डाल लिया। नाश्ते पे फिर बात की कि वो आज भी कोई चमक शमक दिखाई नहीं दी। उसने कहा मेरे पास ही था, जेब में हाथ डाला और सामने रख दिया। बड़ा हैरतज़दा हुआ, दिल ही दिल में सोचा चलो कल सही। उसने फिर ऐसे किया और ये सारी रात उसका सामान टटोलता रहा पूरी तफसील के साथ। खैर, जब सुबह हुई तो उसने फिर नज़र बचा के अपनी जेब में वो मोती रख लिया था। तो इसने पूछा, वो रात वाला मोती आपका नज़र नहीं आया जिसको आप कहते थे चमकता है? कहाँ, वो डबिया में रखा है इसलिए चमक दिखाई नहीं दी, था तो मेरे पास ही, और जेब में हाथ डाला सामने रख दिया। ये सर पकड़ के बैठ गया, मैं रोज़ इसकी जेब टटोलता हूँ, सामान भी देखता हूँ, ये रखता कहाँ है, मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने कहा, सच बताऊँ, मैं तेरा हम सफ़र नहीं था, मैं चोर था, मैं तुमको बता रहा हूँ, अब आप मेरे भी उस्ताद निकले, मुझे इतना बताओ कि ये मोती आप रखते कहाँ थे? मैं सारी रात टटोलता रहा और तीन दिन हो गए मुझे, मैंने कोई गोशा नहीं छोड़ा, आपका सामान खोल खोल के देखा है, आपका लिबास उलट पुलट के देखा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, ये रखते कहाँ थे, मुझे ये तो बताओ। उसने कहा, लोगों की जेब में टटोलते रहे, अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला। बुल्ले शाह उड़ दिया फड़ने, जेड़ा घर बैठा है उन्हें फड़िया ही नहीं। वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, कहा तुम कहां उसे ढूंढ रहे हो, जरा अंदर भी उतर के देखो, अंदर उतरोगे तो उसका सुराग मिल जाएगा, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। जब अपने अंदर उतरोगे तो फिर सुराग जिंदगी नसीब हो जाएगा, इरफान जात होगा तो फिर इरफान इलाही नसीब होगा। लेकिन हम दाएं बाएं ढूंढने निकले लेकिन अपने अंदर उतर के ना देखा, तो सुराग़े ज़िंदगी मिलता ही तब है जब उसकी चौखट पे झुकना बंदा सीख जाता। तो उसकी चौखट पे झुक करके ज़िंदगी की सरबुलंदी हासिल कीजिए और मकसद ज़िंदगी हासिल कीजिए।